समय बहुत ताकतवर होता है और समय ताकतवर होने के साथ साथ सबसे बुद्धिमान सलाहकार भी होता है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कागज के टुकड़े भी अगर आप कमा रहे हैं तो उतने कमाइए जितने की जरूरत है, और ईमानदारी से कमाइए। देश के साथ समझौता करके किसी तरह से अगर आप कागज के टुकड़े कमाएंगे तो समय की ताकत का जीता जागता नमूना पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आज गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया। तो इस तरह के हालात बनते हैं कागज के टुकड़े जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में कमाना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से। दो रोटी खाइए, प्रेम से खाइए, ईमानदारी से खाइए। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि INX मीडिया केस क्या है, पी चिदंबरम गिरफ्तार हुए हैं तो इनकी गिरफ्तारी से जुड़े कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही ये भी बात करूंगा कि क्या अगला नंबर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा का हो सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि INX मीडिया है क्या। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको केस को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, INX मीडिया, जिसको 9X मीडिया भी बोला जाता है, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। ये 6 TV चैनल चलाते हैं, आप लोगों ने सुने होगा, 9XM, 9X जलवा, 9X झकास, 9X तासान और 9XO। तो ये है INX मीडिया कंपनी, जो कि एक म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। अब ये कंपनी बनी कब थी? देखिए, दो लोग थे, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी। पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का नाम आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा। ये दोनों के दोनों लोग अपनी बेटी सीना बोरा के मर्डर केस में अरेस्ट हैं और अभी ये लोग जेल में हैं। तो पीटर और इंद्राणी ने 2006 में INX, या इसको 9X मीडिया कहें, इसको बनाया। अब देखो भाई, वो कंपनी बन गई तो कंपनी को चाहिए पैसा। तो इन दोनों ने क्या किया कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों से पैसा इकट्ठा करने का विचार बनाया। अब विदेशों से इन लोगों ने पैसा कैसे इकट्ठा किया? इन्होंने FIPB से ली परमिशन। FIPB जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। देखो, इससे परमिशन लेना जरूरी नहीं है, पर अगर ऐसा कोई मुद्दा है जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तब आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, आपको मोटी मोटी भाषा में समझाता हूँ कि अगर कोई विदेश की कंपनी भारत की कंपनी को पैसा दे रही है, तो हो सकता है कि विदेश की कंपनी के अपने निजी स्वार्थ छिपे हों। और ये ठहरी मीडिया कंपनी, INX न्यूज़ नाम का इन लोगों ने चैनल भी बना रखा था एक। तो क्या है कि अगर INX वाले फॉरेन से पैसा लेते तो इसको रेगुलेट होना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन वाले अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करें। तो FIPB से ली गई परमिशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से। FIPB ने क्या परमिशन दी कि आप 4.62 करोड़ रुपीज एज अ FDI, यानी कि विदेशों से आप ले सकते हो। पर INX वालों ने क्या किया, इन लोगों ने 4.62 करोड़ की बजाय 305 करोड़ रुपए ले लिए। दूसरा चीज सुनिए, एक इन्होंने अलग से कंपनी बनाई INX न्यूज। INX मीडिया कंपनी अलग है और INX न्यूज कंपनी अलग बनाई, और जो ये 305 करोड़ रुपए मिले उसका 26% पैसा इन्होंने INX न्यूज में डाल दिया। आप ऐसा अपने मन से नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको FIPB से परमिशन लेनी पड़ती है, पर इन लोगों ने ये परमिशन भी नहीं ली। मनमाने लोग, बड़ बोले काम तो फंसेंगे ही। आगे बात करते हैं। अब देखो, हुआ क्या कि ये गड़बड़ घोटाला कर चुके थे, तो इस गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि किसी बड़े आदमी को इन्वॉल्व करते हैं, बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा तो चीज़ें शायद सॉल्व हो जाएं। तो इन्होंने अपने साथ मिलाया कार्ति चिदंबरम को। जी हाँ, नाम से आप समझ चुके होंगे, कार्ति चिदंबरम पी चिदंबरम का बेटा है। ये इसकी एक कंपनी थी, द चेस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो कार्ति चिदंबरम को डायरेक्ट पैसे देने के बजाय इसने क्या किया कि एक कंपनी को हायर कर लिया, द मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, और इस कंपनी को पैसे दे दिए। किसने? INX मीडिया वालों ने। अब देखो, कहानी होती है यहां से शुरू। पैसे देने में भी इन लोगों ने ड्रामा किया। पैसे इन्होंने डायरेक्ट चेस मैनेजमेंट कंपनी में नहीं डाले, एक और कंपनी है, उस कंपनी में इन लोगों ने पैसे डाले। वो कंपनी भी एक डमी कंपनी टाइप की थी, मतलब कंपनी नहीं होती, वो सिर्फ रजिस्टर्ड होती है, कागजों में कंपनी होती, रियल में कुछ नहीं होता।
उस कंपनी में पैसे आए, उस कंपनी से कार्ति चिदंबरम तक पैसे पहुंच गए। अब ये घोटाला तो हो चुका है, कांग्रेस की सरकार जब तक रही किसी तरह से घोटाला दबा रहा। 2017 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ किया केस रजिस्टर, और एक केस नहीं बहुत सारे केस लगाए गए इनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग, 420C, तमाम केस लगने के बाद जब कार्ति चिदंबरम फंसे, इससे पहले पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ये दोनों फंस चुके थे। अब देखिए इंद्राणी मुखर्जी ने क्या किया, ये बन गई सरकारी गवाह 2019 में, और इंद्राणी मुखर्जी ने ये मान लिया कि नॉर्थ ब्लॉक में जो कि होम मिनिस्ट्री का एक ऑफिस होता है वहां पर ये पी चिदंबरम से मिले और कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम दोनों के लिए इन लोगों ने पैसे दिए हैं। अब पैसे दिए हैं तो घोटाला हुआ है तो फंसेंगे। देखिए यहाँ पर मुखर्जी की स्पेलिंग गड़बड़ है, मुखली झेरजी लिख दिया गया, वैसे भी देश के साथ घोटाले करने वालों के नाम ऐसे ही लिखने चाहिए। तो अब क्या है कि पी चिदंबरम साहब फंस गए, अब फंसेंगे तो इन्होंने किया एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई। देखिए एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि वो अरेस्ट होने वाला है तो वो एडवांस में बेल ले लेता है। तो पी चिदंबरम साहब पहुंचे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने इनकी बेल को कर दिया खारिज, यानी कि पी चिदंबरम साहब के अरेस्ट होने का आ गया टाइम। अब देखो एक बात दिलचस्प बात और आप लोगों को बताता हूँ, कार्ति चिदंबरम जो कि इनका बेटा है ये एक महीने जेल में रहा था, एक महीने बाद जेल से आ गया, तो ये लोकसभा सांसद है और पी चिदंबरम है अभी राज्यसभा सांसद। ऐसे लोगों को देखिए राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पर लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनता ऐसे करप्ट और भ्रष्टाचारी लोगों को वोट दे देती है, इसीलिए कहीं ना कहीं आज तक हमारा भारत देश पिछड़ा हुआ है। कार्ति चिदंबरम के बारे में बात आपको बताऊं, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करीब 60-70 करोड़ का तो इनका, कुछ गोवा में मकान बने हुए हैं, कुछ ऊटी में मकान बने हुए हैं, लंदन में इनकी प्रॉपर्टी है, फ्रांस में इनकी प्रॉपर्टी है। देखो देश का पैसा और ये किसी ना किसी रूप में जनता का टैक्स का पैसा खा के ये लोग विदेशों में मौज करते हैं। खैर अब इनका मौज का समय हुआ पूरा, हाईकोर्ट ने बेल जब प्ली रिफ्यूज की तो पी चिदंबरम को होना था अरेस्ट। अरेस्ट ऐसे नहीं हुआ, अरेस्ट में बड़ा ड्रामा हुआ। पहले तो चिदंबरम को कहाँ देखा गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर आए, इन्होंने थोड़ा बहुत बोला भी। उसके बाद में ये समझ चुके थे कि अब इनका वक्त पूरा हो चला है, यानी कि अब इन्हें सीबीआई और ईडी जो है अरेस्ट करेगी। तो मोबाइल इन्होंने अपना ऑफ कर लिया, मोबाइल ऑफ के साथ में करीब 27 घंटे से गायब थे। देखो अगर कोई आदमी सही है, अगर आप सही हो तो भाई सही हो तो आप जाओ और सीबीआई के हेडक्वार्टर में जाके सरेंडर कर दो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर सबूत हैं आपके पास कि आप सही हो, किसी एक आदमी के गवाही देने से अगर इंद्राणी मुखर्जी ने कह दिया कि पी चिदंबरम को रिश्वत दी है, सिर्फ इतने पर केस नहीं होगा, केस के लिए बहुत सारे सबूत हैं और वो सीबीआई ने अब तक जो कहा है उनके पास वो सबूत हैं। अगर वो सबूत ना होते तो चिदंबरम साहब को भागने की जरूरत क्या थी, ना भागते ये खुद चले जाते सीबीआई के पास, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, ईडी और सीबीआई की टीम ने इनके घर पे जा करके, घर में घुसे ये जबरदस्ती, ऐसे नहीं घुसने दिया, ना इन्होंने दरवाजा खोला, चाहते तो दरवाजा खोल सकते थे, एक क्रिमिनल की तरह बिहेव किया कि घर में बंद है आराम से, पहले आओ हमें पकड़ के ले जाओ। भाई साहब इन्हें पकड़ के ले जाया गया यानी कि डिटेन करके, और अल्टीमेटली सीबीआई हेडक्वार्टर पे इन्हें कर लिया गया अरेस्ट। डिटेंशन घर पे हो चुका था, अरेस्ट बाद में इनका सीबीआई हेडक्वार्टर पे हो गया था। देखो एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको, कहते हैं समय बड़ा बलवान है और समय की बलवानता का जीता जागता नमूना आप देखिए, ये जिस सीबीआई हेडक्वार्टर में अरेस्ट हुए हैं और आज रात वहाँ पर हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो अभी रात है और चिदंबरम साहब हैं सीबीआई हेडक्वार्टर में। इस सीबीआई हेडक्वार्टर को चिदंबरम ने ही इनॉग्रेट किया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह, ये सीबीआई हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन की फोटो है। उस समय ये गृहमंत्री हुआ करते थे भारत के, 2011 की बात है। अभी हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हो आप पूर्व गृहमंत्री हो सकते हैं, आप पूर्व वित्त मंत्री हो सकते हैं, आप वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी लोकसभा सांसद हो सकता है, पर आप देश से बढ़ के नहीं हो सकते। अगर आपने घोटाला किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी।
दूसरी बात सुनिए, अमित शाह और पी चिदम्बरम का जो अभी केस है इसका कनेक्शन क्या है। देखो 10 साल पहले अमित शाह अरेस्ट हुए थे, उस समय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, और आज 10 साल बाद जब पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए हैं तो आज गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। दोनों बातों में पर एक बड़ा अंतर है, अमित शाह ने खुद जाके सीबीआई ऑफिस में सरेंडर किया था पर पी चिदम्बरम ने सरेंडर नहीं किया तो सीबीआई जबरदस्ती ले गई। दूसरा अंतर सुनिए, अमित शाह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और इन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया, इन्हें राजनीतिक रूप से अरेस्ट किया गया था अपने राजनीतिक फायदा के लिए, पर पी चिदम्बरम को जो अरेस्ट किया गया है उसके लिए सीबीआई के पास पूरे सबूत हैं और सीबीआई कोर्ट में पेश होगी सबूत लेके, ऐसा मैं नहीं सीबीआई का कहना है। और अगर सीबीआई कह रही है कि इनके पास सबूत हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबूत निश्चित रूप से होंगे। अब क्या होगा, और सीबीआई का इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन का इंटरोगेशन का प्रोसीजर क्या होता है ये आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को पता होगा कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े बड़े वकील कांग्रेस पार्टी के पास हैं। इवन आपको बताऊं पी चिदम्बरम खुद एक वकील हैं, पर देखो वकील इतना तो कर सकता है कि इन्हें बेल दिलवा सकता है या फिर केस लड़ सकता है, पर अगर इन्होंने घोटाला किया है तो वकील इन्हें कुछ कर नहीं सकता आगे। तो ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी वकीलों की फौज इन्हें बचाने में लगाएगी, पर किस तरह से सीबीआई काम करेगी ये देखना होगा। अभी के लिए मैं इंटरोगेशन का प्रोसीजर बताता हूँ। देखो सीबीआई कैसे पूछताछ करती है ये जानिए। सबसे पहले मान लो सीबीआई इनसे पूछेगी कि चिदम्बरम साहब ये बताइए कि आप इंद्रानी मुखर्जी को जानते थे, ये रिप्लाई देंगे शायद हाँ या ना, कुछ भी या रिप्लाई ना दें। फिर वो उसमें पूछेगी कैसे जानते थे, कब मिले थे, कहाँ मिले थे, मतलब एक सवाल को एक एक दो दो घंटे तक खींचा जाता है। और इसके बाद अगला सवाल आता है, यानी कि इंटरोगेशन के प्रोसीजर में टाइम लगता है सीबीआई के। और आपको बताऊं कि ये बीआईपी हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, इसलिए बीआईपी होने का और ये सीनियर सिटीजन भी हैं, इन्हें फ़ायदा सिर्फ बीआईपी होने का ये मिलेगा कि इनका इंटरोगेशन कम से कम एसपी रैंक का जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होता है वो करेगा, और एसपी रैंक से ऊपर वाले भी कर सकता है, पूरी टीम होती है इंटरोगेशन के लिए। तो इस तरह से इनसे सवाल किए जाएंगे और सवाल जवाब के बाद देखना ये होगा कि चिदम्बरम साहब कितने सही जवाब देते हैं, किस तरह से घुमाते हैं। पर देखो चिदम्बरम बोले या ना बोले सबूत जरूर बोलेगा, तो सबूतों से तो कोई भाग नहीं सकता। अभी के लिए सही यही होगा, देश हित में यही होगा कि जो भी सच्चाई है वो देश को जानने का हक है और चिदम्बरम के लिए खुद ये सच्चाई बतानी चाहिए। एक दिलचस्प बात ये उठती है कि क्या राहुल, सोनिया और वाड्रा का नंबर लगने वाला है। देखो आईएनएक्स मीडिया केस में अभी तक इन तीनों का नाम नहीं है, पर जैसे इंद्रानी मुखर्जी फंसी और इंद्रानी मुखर्जी ने बताया कि कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम ये दोनों भी शामिल थे, इन लोगों ने भी रिश्वत ली थी। इन लोगों ने रिश्वत लेके क्या किया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मैंने आपको बताया जिससे कि परमिशन लेनी पड़ती है, इसने परमिशन दी थी 4.62 यानी कि लगभग 5 करोड़ का, 5 करोड़ की परमिशन पर कंपनी ने लिए 305 करोड़। तो ये जो घोटाला हुआ इस घोटाले को दबाने में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे का हाथ था, ऐसा बता दिया इंद्रानी मुखर्जी ने। अब हो सकता है कि पी चिदम्बरम बता दें कि इसमें कुछ और लोगों का हाथ है, मैं नहीं कह रहा कि इसमें राहुल, सोनिया और वाड्रा का हाथ है, पर ऐसा पी चिदम्बरम अगर बता दें तो इन लोगों पर भी गाज गिरेगी। इसके साथ में राहुल, सोनिया और वाड्रा इन तीनों पर ऑलरेडी केस चल रहे हैं, ये पहले से बेल पर बाहर हैं, तो ऐसा भविष्य में संभावना है कि अगर इन लोगों ने कुछ किया होगा घोटाला तो इनका भी नंबर लगेगा। अभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, देशवासियों का पैसा, देश बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, लोग बहुत गरीब हैं, बड़ी मेहनत से टैक्स देते हैं, इस पैसे को इन भ्रष्ट नेताओं से खाने को बचाएं और देश को समृद्ध बनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।